हेलो दोस्तों, एनोबिल्स आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात होने वाला है। ये है एस्केलेटर ब्रेक और क्लच को कैसे कंट्रोल किया जाता है। वी शेप के बारे में हम लोग समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो अभी कार लर्न करने जा रहे हैं, ड्राइविंग स्कूल जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो ड्राइविंग स्कूल में ये रूल बताते ही नहीं हैं और लोग सोचते हैं कि मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ गाड़ी को ठीक से। और जो गाड़ी अच्छा से चलाना सीख गए हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ना देखें, हो सकता है आपका टाइम बर्बाद हो जाए। और जो गाड़ी अभी चलाना सीख रहे हो तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, एक भी चीज़ मिस ना करें। और ये बहुत छोटा वीडियो होने वाला है इसलिए आप पूरा वीडियो देखें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है इसलिए पूरा देखिएगा। देखिए, इसमें एक होता है एस्केलेटर, एक होता है ब्रेक और एक होता है क्लच। इसको बोलते हैं एस्केलेटर। जैसे कि आपको आवाज़ आया, अभी गाड़ी मेरे न्यूट्रल में है। अभी आप देखिए गाड़ी न्यूट्रल में है इसलिए मैं जितना भी एस्केलेटर दबाऊँगा मेरा गाड़ी जो है आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। फिर ये होता है ब्रेक, इसको बोलते हैं ब्रेक और इसको बोलते हैं क्लच, ओके। आपको अगर ये याद नहीं होता है, प्रैक्टिस करने में दिक्कत होता है एस्केलेटर किधर, ब्रेक किधर, क्लच किधर, तो आप ए बी से अगर करके भी इसको याद कर सकते हैं। एस्केलेटर यानी ए हो गया ए, ए बी ये हो गया सी, यानी एस्केलेटर पहला, ब्रेक दूसरा और तीसरा क्लच सी। तो ए बी सी करके आप इसको याद कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है वी शेप। वी शेप यानी आपका जो दायां पैर है उससे आपको क्या करना है, सिर्फ एस्केलेटर और ब्रेक को कंट्रोल करना है इस तरीके से। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि दोनों पैर से उपयोग करते हैं और ऐसे उठा उठा के उपयोग करते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा गलती मत कीजिए। कभी भी अपना एस्केलेटर और ब्रेक को इस तरह से उठा उठा के उपयोग मत कीजिए, इस तरह से उपयोग कीजिए। ये हो गया एस्केलेटर और ये हो गया ब्रेक, ये दोनों को आप दायां पैर से उपयोग कीजिए। और बायां पैर का क्या खाली उपयोग रहेगा कि आपको बस इससे क्लच दबाना है, बस इससे आपको क्लच का उपयोग करना है, ओके। कभी भी आप इससे ब्रेक ना दबाएं, इमरजेंसी पड़े तो दबा सकते हैं, लेकिन जो गाड़ी चलाने का जो रूल होता है वो यही है कि आप इससे सिर्फ क्लच को कंट्रोल कीजिए और इसको खाली आप एस्केलेटर और ब्रेक का उपयोग करने में इसका काम ले, ओके। तो इससे क्या होगा, आपको गाड़ी चलाने में थकान नहीं होगा, आप आराम से गाड़ी चला पाएंगे, एक्सीडेंट भी नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग इसी में कन्फ्यूज़न में कि अभी हमको ये दबाना है, अभी हमको ये दबाना है, ऐसे पैर उठा उठा के करते हैं। इससे क्या होता है, ब्रेक की जगह एस्केलेटर दब जाता है, एस्केलेटर की जगह क्या हो जाता है, ब्रेक दब जाता है। तो अगर आप इस तरह से उपयोग करेंगे तो आपको कभी भी कुछ कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और एक्सीडेंट नहीं होगा, गाड़ी चलाने में आराम रहेगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।